नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मॉडरेशन इन रिग्रेशन, और मॉडरेशन इन रिग्रेशन को हम प्रोसेस मैक्रो जो एंड्रयू हेस ने डेवलप किया है उसके थ्रू हम इसको एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, जैसे मीडिएटर का जो हमें कॉन्सेप्ट मालूम है कि मीडिएटर जो एक ऐसा वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को उसका जो अगर सिग्निफिकेंट है तो उसको वो नॉन सिग्निफिकेंट कर देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो रिलेशनशिप है, ये हमारे जो ये जो रिलेशनशिप है सिग्निफिकेंट है। कहने का मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, हम जैसे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा और डिपेंडेंट वेरिएबल में पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन कुछ भी हो सकता है। अब ये जो अभी हम देखें, जब तक मीडिएटर हमने इसके बीच में नहीं इंक्लूड किया है, तब ये जो रिलेशनशिप है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन जैसे हमने मीडिएटर को इंक्लूड किया, ठीक है, तो इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की जो रिलेशनशिप है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो एक तो इसमें तीन रिलेशन बनेंगे, रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो है हमारा, अगर हम अलग अलग लेंगे, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो ये सिग्निफिकेंट आएगा। फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मीडिएटर को लेंगे, ये भी सिग्निफिकेंट आएगा। मीडिएटर और डिपेंडेंट को लेंगे, ये भी सिग्निफिकेंट आएगा। और जब मीडिएटर हमने इंक्लूड कर दिया, तब ये वाली जो रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। कहने का मतलब है नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी। जब हम ये वाली फोर्थ, ये जो हम रिलेशनशिप देख रहे हैं, इसमें वाई हमारा जो है प्रिडिक्ट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मीडिएटर दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास जो एक केस स्टडी है, ये गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसी से इन्फ्लुएंस होके एक हमने केस स्टडी ली है। तो ये जो वाई हमारा यहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में है, मतलब मैट्रिक डेटा में है। एक्स इंटेलिजेंस जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, और जो सेल्फ स्टडी है वो भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। तो तीनों के तीनों डेटा हमारे मैट्रिक है। जब हम एकेडमिक परफॉर्मेंस और इंटेलिजेंट क्वेश्चन को हम बाईवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस या सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस के इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये इसका जो इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट आ जाता है, ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन का, ये विदाउट मीडिएशन। लेकिन जब मीडिएटर हमारा यहाँ पर काम करेगा, मीडिएटर को समझने के लिए हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मैंने पहले वाले भी अपने एग्जाम्पल में बताया था कि ये जो मीडिएटर है, मीडिएटर की प्रेजेंस में इंटेलिजेंस क्वेश्चन और एकेडमिक परफॉर्मेंस की रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। मतलब अब जो भी हमारा ये जो है, इसे हम डायरेक्ट इफेक्ट भी कहते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन और एकेडमिक को, और ये जो है हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन, सेल्फ स्टडी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो इसमें जब मेडिशन का हम यूज करते हैं, तो ये जो डायरेक्ट इफेक्ट तो इसका नॉन सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो हमारा सिग्निफिकेंट होता है। जब मीडिएटर हो गया, तो इन दोनों की आपस में कोई रिलेशनशिप इसमें नहीं रहेगा। अब जैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा अगर इंटेलिजेंस क्वेश्चन ज्यादा होगा, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अकेला इंटेलिजेंस क्वेश्चन ही एकेडमिक परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसके अलावा भी एक ऐसा वेरिएबल है, मीडिएटर है, अगर ये इंक्लूड नहीं होगा तो हम एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रॉपरली नहीं जांच पाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, मीडिएटर को लिया। तो जब अगर कोई भी स्टूडेंट की इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ लेवल अच्छा है और वो अच्छी सेल्फ स्टडी करता है, तो वो इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। लेकिन अगर IQ इसका अच्छा है लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करता, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो कहने का मतलब है ये इनसिग्निफिकेंट हो गया। यहाँ पर IQ मेन सिग्निफिकेंट, यहाँ पर सेल्फ स्टडी है।
मतलब सेल्फ स्टडी अगर जिस स्टूडेंट की ज्यादा अच्छी होगी वही एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएगा। तो ये हमारा जो केस है। अब इसको समझने के लिए हमारे पास जो डेटा है, छोटा सा डेटा लिया है, इसमें हमने 20 रेस्पोंडेंट का डेटा है और ये अनस्टैंडर्ड फॉर्म है, चाहे तो इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही एनालिसिस करेंगे। अभी देखिए ये जो डेटा है इसमें पहले हम ये देख लें कि इन तीनों वेरिएबल्स में पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ये हमने देखा कि तीनों वेरिएबल्स को जब हमने एक साथ लिया और ओके किया तो इसमें कोरिलेशन बाइब्रेट कोरिलेशन आ जाएगा। और ये जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ये बता रहा है इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट के साथ इनका रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है, मतलब आईक्यू अगर अच्छा होता है तो एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ सेल्फ स्टडी भी अगर अच्छी है तो एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही, ठीक है। तो इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है आपस में। अब ये जो हमारे पास ये है प्रोसेस, इसको हम यूज करते हैं, इसमें मीडिएशन कैसे हम करेंगे, देखिए एनालाइज में जाएंगे हम और रिग्रेशन, रिग्रेशन के बाद प्रोसेस, ठीक। ये हमने इसको इस तरीके से टिक किया। एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारा आउटकम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आईक्यू है और जो सेल्फ स्टडी है वो हमारा मॉडरेटर। ये देखिए सेल्फ स्टडी मॉडरेटर, आईक्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारा आउटकम वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दोस्तों इसमें जो नंबर ऑफ मॉडल्स हमने पहले बताया था पहले वाले लेक्चर में कि ये जो अलग अलग मॉडल हैं इन्होंने एंड्रयू हेस ने 76 मॉडल यूज किए हैं। तो पहला मॉडल तो मॉडरेटर के लिए है और ये जो हमारा जो मीडिएटर है इसके लिए हम मॉडल नंबर 4 यूज करते हैं। और जो बूट स्ट्रैप सैंपल्स है कुछ लोग 1000 को लेकर भी एनालिसिस करते हैं, कुछ 2000 को, लेकिन हम 5000 को ही लेके करेंगे एनालिसिस। अब देखिए ऑप्शंस में हम आए, ऑप्शंस में हमें एक तो इफेक्ट साइज चाहिए, सोबल टेस्ट चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जानने के लिए, और एक ये टोटल इफेक्ट। अब इसको हमने क्या किया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद मल्टी कैटेगरिकल में हमें कुछ नहीं करना, लॉन्ग नेम्स में ये हमें कर लेना चाहिए, अगर जो कैरेक्टर 8 से ज्यादा आ जाते हैं तो लॉन्ग वेरिएबल नेम्स को अलाउ करना चाहिए, बस ये तीन चीजें करना बड़ा सिंपल है। इसके बाद जो है ये हमारे पास ओके किया, ओके करने के बाद हमारे पास आउटपुट आएगा और ये आउटपुट ही हमें समझना है, मेन आउटपुट ही है कि उसे हमें कैसे इंटरप्रिटेशन करना है और उस आउटपुट को हम कैसे फिर अपने रिसर्च पेपर में रिपोर्ट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि ये टेबल तो दे देगा और लेकिन इसमें कौन से टेबल में से क्या क्या इंटरप्रिटेशन करना है हमें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा एनालिसिस अभी हो रहा है, टेबल ला के दे रहा है, प्रोसेस चल रहा है, रनिंग मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये जनरली बाकी एस्पेसिस में जो हम एनालिसिस करते हैं उसके मुकाबले थोड़ा सा समय ज्यादा लेता है। क्या सबसे पहले देखिएगा ये जो मॉडल 4 हमने यूज किया जो मीडिएटर के लिए यूज होता है और मॉडल नंबर 1 हमारा जो है वो मॉडरेटर के लिए होता है। ये मॉडल 1 सॉरी मॉडल जो है 4 है हमारा मीडिएटर के लिए यूज होगा। वाई ये एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारा जो है, ये देखिए एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट ये एक्स है हमारा, इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेल्फ स्टडी हमारा ये मॉडरेटर हो गया, ठीक है। तीन वेरिएबल हमारे यहाँ पर आ गए। सैंपल साइज हमारे पास 20 का था, ये देखिए 20 का सैंपल साइज है हमारे पास। और सैंपल साइज के बाद हम जो आगे देखेंगे ये है आउटकम वेरिएबल सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब है ये वाला अभी हमारा आउटकम वेरिएबल है। तो सेल्फ स्टडी का किसके साथ रिलेशन था, एक तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन के साथ और एक एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ, लेकिन चूंकि ये आउटकम है डिपेंडेंट वेरिएबल है तो किसके रेस्पेक्ट में है, आईक्यू के रेस्पेक्ट में ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमें देखना है कि सेल्फ स्टडी को क्या आईक्यू प्रेडिक्ट करता है या नहीं, ठीक है, कि जितनी ज्यादा आईक्यू होगा उतना स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है। तो ये रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट होनी चाहिए और इसमें जो हमारे पास जो मॉडल आया है इसमें जो कोफिशियंट की वैल्यू है ये बीटा हमारा 0.1243, ये देखिए हमने पहले से भी लिख दिया है समय बचाने के लिए, ये यहाँ पर 0.1243 जो ये बीटा है और ये सिग्निफिकेंट भी है। ये देखिए पी वैल्यू, P
पी वैल्यू हमारी 0.05 से कम है, हम कहेंगे सिग्निफिकेंट है। तो एक तो हमें ये पता चल गया इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट है। अब एक सेल्फ स्टडी और एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ भी देखेंगे और एक इंटेलिजेंस क्वेश्चन और एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ भी। अभी देखिए ये वाले इस टेबल का काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरी टेबल लेते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखिए ये एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारा यहाँ पर आउटकम वेरिएबल है। ये किस चीज को प्रेडिक्ट कर रहा है, किससे कर रहा है प्रेडिक्शन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन और सेल्फ स्टडी से। तो ये देखिए सेल्फ स्टडी और इंटेलिजेंस। अब ये जो सेल्फ स्टडी है ये हमारा सिग्निफिकेंट है, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सेल्फ स्टडी में जो जो पॉजिटिव कोरिलेशन तो है ही, और ये इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ये यहाँ पर हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है और सेल्फ स्टडी हमारा इनडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप आ रही है वो सिग्निफिकेंट आ रही है। जो बायवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू हमारे पास जो डेटा आया है ये कोफिशियंट है अनस्टैंडर्ड फॉर्म में बीटा हमारा 7.0636। तो ये हमने देखिए यहाँ पर लिख लिया पहले से ही 7.06367, ठीक है। अब इसका देखिए ये जो हमारे पास आता है ये तो समझ में आ गया, और इंटेलिजेंस क्वेश्चन और एकेडमिक परफॉर्मेंस इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो इनसिग्निफिकेंट नॉट सिग्निफिकेंट आना चाहिए। देखिए 0.2366 ये आ गया 0.3167, ठीक है। ये देखिए 0.3167 और ये जो है हमारा नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज पी वैल्यू लेस देन 0.05। जब हमने मीडिएटर वेरिएबल यूज नहीं किया था तब तो इसने हमारा जो था बीटा ये 1.1945 आ रहा था और सिग्निफिकेंट था। एक चीज हमें और याद रखनी है, जब हम विदाउट मीडिएशन की बात करते हैं तो ये टोटल इफेक्ट हम देखते हैं इसमें, ये टोटल इफेक्ट होगा, और जब इसको हम मीडिएटर के साथ देखेंगे तब इस रिलेशनशिप को हम डायरेक्ट इफेक्ट कहेंगे। तो डायरेक्ट इफेक्ट में जो और टोटल इफेक्ट में डिफरेंस यही है कि टोटल इफेक्ट में विदाउट मीडिएशन हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, और इसमें बीच में जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस और आईक्यू में हम जो देखते हैं डायरेक्ट इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ये आपका आ गया 0.2366। अब टोटल इफेक्ट देखिए, टोटल इफेक्ट का जो हमारे पास टेबल आया है ये टोटल इफेक्ट, इसको हम जरा आप समझ लें। इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो है इसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा इंटेलिजेंट है, ये हमारा आईक्यू हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसमें जो पी वैल्यू आ रही है ये 0.05। इसमें हम इस तरीके से देख सकते हैं, देखिए टोटल इफेक्ट जो है हमारा ऊपर वाला जो विदाउट मीडिएशन में एकेडमिक परफॉर्मेंस और ये सिग्निफिकेंट भी आ रहा है, और पी वैल्यू जो थी हमारी वो 0.05 से कम आ रही है। देखिए ये टोटल इफेक्ट में पी वैल्यू 0.00 आ रही है, लेस देन 5। अब ये जो है टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट, ये हमारा मीडिएशन जिसमें हमने यूज किया है, ये तो विदाउट जो टोटल इफेक्ट देखा था विदाउट मीडिएशन के साथ हमने देखा है, लेकिन ये वाला जो हम इफेक्ट देख रहे हैं ये इसमें मीडिएशन के साथ है, टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब इसको जरा हम समझ ले, टोटल इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, ये टोटल इफेक्ट एक्स तो ये एक्स तो हमारा ये हो गया और ये हमारा वाई हो गया, इनके बीच में जो है इसे हम कहते हैं डायरेक्ट इफेक्ट, और इसकी जो रिलेशनशिप है वो नॉन सिग्निफिकेंट आ रही है। ये देखिए टोटल इफेक्ट में 1.1945 और जो एक्स ऑन वाई जो है हमारा टोटल इफेक्ट का मतलब है, सॉरी ये जो हमारा कहाँ गया इधर देखिए, ये टोटल इफेक्ट एक्स ऑन वाई ये सिग्निफिकेंट है, मतलब एक्स का जो इफेक्ट है टोटल इफेक्ट विदाउट, देखिए टोटल इफेक्ट हमारा सिग्निफिकेंट आ रहा है ना, इसमें जो हमने लिया है ये विदाउट मीडिएशन है ये, लेकिन जब हम इसमें मीडिएशन यूज करेंगे तो ये वाला इफेक्ट हमारा नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसको भी हम देखते हैं, ये देखिए डायरेक्ट इफेक्ट ये इसने दो बार दे दिया है, टोटल इफेक्ट को ऊपर वाले में भी दिया है, देखिए ये वाला अगर हम देखें ये वाला जो टोटल इफेक्ट को यहाँ भी दे दिया और टोटल इफेक्ट को इसने यहाँ भी दे दिया, दो बार इसने रिपीट कर दिया है।
अब डायरेक्ट इफेक्ट, टोटल इफेक्ट तो यही है जो भी हमने पहले देखा है, पहले वाली टेबल से ये देखिए, ठीक, और इसने यहां भी रिपीट कर दिया। डायरेक्ट इफेक्ट हमारा विद मीडिएशन, विद मीडिएशन 0.3, ये देखिए जब मीडिएशन को हम यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट इफेक्ट आ गया 0.3167। ये देखिए ये वाला हमारा जो है इसमें डायरेक्ट इफेक्ट आ गया। अब ये वाला जो इफेक्ट है डायरेक्ट इफेक्ट, इसका मतलब है कि इसमें हमने मीडिएशन यूज किया है डायरेक्ट इफेक्ट में, और टोटल इफेक्ट में मीडिएशन हमने यूज नहीं किया था, तब सिग्निफिकेंट आ रहा था। मीडिएशन यूज करने के बाद यही रिलेशनशिप हमारी इनसिग्निफिकेंट हो गई। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है हमारा, इनडायरेक्ट इफेक्ट जो बेसिकली होगा ये इंटेलिजेंस क्वोशेंट का इसके साथ और इसका रिलेशनशिप इसके साथ, इसे हम बोलेंगे क्या कहते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट। अगर ये देखिए इस तरीके से आ रहा है हमारा इंटेलिजेंस क्वोशेंट, सेल्फ स्टडी और एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, और ये वाला जो इफेक्ट है डायरेक्टली इसे हम डायरेक्ट इफेक्ट कहते हैं। तो दो टू पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट आपका इस तरीके से आएगा, दो रास्ते से होते हुए, इंटेलिजेंस क्वोशेंट का रिलेशनशिप सेल्फ स्टडी के साथ और सेल्फ स्टडी का एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ। तो ये वाली जो वैल्यू है इनडायरेक्ट में, एक तो आईक्यू की सेल्फ स्टडी के साथ हम पहले देख ही चुके हैं कि 0.1243 आ रहा था, ये देखिए। अब ये जो है पॉइंट हमारा जो इनडायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है इसमें पॉइंट, ये देखिए ये वाला सबसे पहला वाला है ना 0.1243, ये हमने सेल्फ स्टडी और इंटेलिजेंस आईक्यू के साथ देखा है, ये 0.1243 सेल्फ स्टडी, और इसके साथ जब देखा था हमने ये 7.03। अब जो इनडायरेक्ट इफेक्ट जो दे रहा है ये हमें कंबाइन करके दे रहा है, ये देखिए जो हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट है, टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट में हमारी जो वैल्यू आ रही है वो ये देखिए 0.8, जो ये जो है 0.8779, ये वाली हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट आ गया, देखिए इनडायरेक्ट इफेक्ट, और ये सिग्निफिकेंट भी है। इनडायरेक्ट इफेक्ट का मतलब है कि ये जो है पॉइंट, इसकी मल्टीप्लाई हम जब इसके साथ करेंगे, देखिए हमने इसकी मल्टीप्लाई इनडायरेक्ट इफेक्ट में दिस इनटू मल्टीप्लाई दिस, तो हमारे पास 0.8788 आ गया, ये जो कि इनडायरेक्ट इफेक्ट है, ये रहा 0.8779, और जो कि हमारा सिग्निफिकेंट भी है, ठीक है। तो दोस्तों बस इसमें हमें यही चीज देखनी है, एक बार तो जो है हम सॉरी इसको हम विद, ये विद मीडिएशन है, एक बार तो हमने विदाउट मीडिएशन लिया और दूसरी तरफ हमने जो लिया ये विद मीडिएशन हमने लिया चेक करके, ठीक है। तो बस एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि ये जब हम मीडिएटर का यूज नहीं करते हैं तब जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट आती है, मतलब पी वैल्यू 0.05 से कम आती है। दूसरे में जब हमने विद मीडिएशन लिया तो आईक्यू का मीडिएटर के साथ रिलेशनशिप हमारी सिग्निफिकेंट होगी, और सेल्फ स्टडी और एकेडमिक परफॉर्मेंस के सिग्निफिकेंट होगी रिलेशनशिप। लेकिन जब मीडिएटर हमारा रहता है साथ में तब आईक्यू और एकेडमिक परफॉर्मेंस की रिलेशनशिप हमारी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती है, और यही हमारा रिजल्ट कह रहा है कि हमारा जो मीडिएटर है वो पूरी तरीके से फुल मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। मीडिएटर की भी स्ट्रेंथ होती है, कुछ मीडिएटर हमारे वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ का मीडियम इफेक्ट होता है, लेकिन इस वाले मीडिएटर में हमारा बिल्कुल कंप्लीट मीडिएटर है और स्ट्रॉन्ग है इस मीडिएटर की वजह। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।